black patches. ठीक है, very nice. और eczema, wrinkles, beautiful. और eczema, dry skin. Dry skin जो होती है वो types होती है जो मैं आप लोगों को थोड़ी सी देर में बताऊंगी. ठीक है, और स्किन एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन मतलब. हाँ ठीक है, उसको भी अपन डिस्कस करते हैं. और उसका एक काम बच जाए तो एक ही बार में मैं बताती हूँ. और बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेडनेस होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप जितना प्रॉब्लम बताओ उतना डिस्कस करूँगा. उतना काम बताऊंगी. सफेदा, सफेदा मैम दो टाइप की होते हैं. एक होता है जो हमारे गले के पास होते हैं चिकने चिकने से, और सीजन के साथ से वो ठीक भी हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेलनिन. राइट, ठीक है. और पिगमेंटेशन, वेरी नाइस, वो इसी के अंदर आएगा पिगमेंटेशन. और बस यही चार डिस्कस करने वाली हूँ मैं. आप लोग जितना कम पूछोगे उतना कम बताऊंगी. टैन, ब्यूटीफुल. और टैन समझते हैं आप लोग क्या होता है टैन? टैन और डार्क सर्कल समझते हैं? डार्क सर्कल समझते हैं क्या होता है डार्क सर्कल? वेरी नाइस. आपके पास था ताला दे रहा बीमारी है ना वो स्किन की, ये सुनो है ना. चलिए सो लिख लेते हैं. और उसी को टैन बोलते हैं, सनबर्न को भी टैन बोलते हैं. और बस बस इतना ही. ये सुने कभी नहीं हुआ दांत फाड़ कुछ भी सुने मुझे तो बोलना मुझे तो बोलना. Yes, ma'am. Eczema. Huh? Yes or no? Yes. Yes, ma'am. Cancer. Yes. बहुत छोटी बीमारी है. बहुत छोटा. कैंसर जो है बहुत छोटी बीमारी. सुने? बहुत छोटी है ना? हाँ. नहीं है. बहुत बड़ा है. क्यों बड़ा है भाई? क्यों बड़ा है? हम तो एकदम लापरवाही करते हैं, हम तो टेक केयर करते नहीं है, तो छोटी मोटी बीमारी हुई. आप जब ये सारी चीजों में लापरवाही करते हो तब होता है ये, तब होता है ये. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कैंसर मुझे नहीं हो सकता, उसे नहीं हो सकता या उसे नहीं हो सकता, किसी को भी हो सकता है. हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि जब भी हम लापरवाही करते हैं ना बहुत ज्यादा लेवल पे हो जाती है तो ये कैंसर के चांसेस होते हैं. आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है कैंसर, स्किन कैंसर. सुना होगा आप लोगों ने स्किन कैंसर. ये सुनो क्या होता है स्किन कैंसर? आपके स्किन में होता है कैंसर, आपकी ये त्वचा में होता है कैंसर. क्यों होता है? ये सारे लापरवाही के कारण. आपकी स्किन के जो सेल्स होते हैं जब प्रॉपरली काम नहीं कर पाते, उनको प्रॉपरली न्यूट्रिशन वगैरह पोषण वगैरह नहीं मिलता है, तो वो लास्ट स्टेज होता है कैंसर. और कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं. ये बहुत बड़ी बीमारी है. ये सारे जो होते हैं ये होते हैं फर्स्ट स्टेज, उसके बाद आता है ये फिर ये लास्ट. एक्जिमा, इसको हम बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन. क्या बोलते हैं? फंगल इन्फेक्शन. क्या होता है फंगल इन्फेक्शन? फंगस क्या होता है? फंगस, फंगस को हम हिंदी में बोलते हैं फफूंद. मेरे ख्याल से यहाँ फिंफी बोलते हैं. फिंफी समझते? अच्छा फफूंद को क्या बोलते हैं यहाँ पे? छतरक में. हाँ छतरक, छतरक बेंगोली में छतरक बोलता है. बेंगोली में छतरक बोलता है. बेंगोली में छतरक, छतरक, छतरक. अच्छा वो छतरा, वो छतरा नहीं होता है. सब्जी होती है, हम कभी घर की सब्जी बनाते हैं, दो तीन दिन ऐसे बाहर रख देते हैं, उसमें रुई हुई सब कुछ ऊपर आ जाता है, उसी को
कुछ लॉजिक, कुछ आइडिया, खुजाने के कारण है ना, बहुत ज्यादा खुजाते, गंदा होने के कारण, वेरी नाइस, गंदा होने के कारण, इन शॉर्ट गंदा होने के कारण। डिटॉक्सिफाई करते रहते ना हम अपने बॉडी को, ये सुनो जूसेस के लिए डिटॉक्सिफाई 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 कर रहे हो, स्किन के लिए क्या डिटॉक्सिफिकेशन करते हो भैया, हम स्किन के लिए क्या डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, कुछ नहीं। इसलिए जो फंगस होता है वो बीमारी होती है, कैसे काम करती है, इन शॉर्ट एक छोटी सी स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक पेट है, मेरे पास एक जानवर है, ठीक है, डॉग है, मेरे पास एक डॉग है। अब वो डॉग को 15 डेज से भूख लग रहा है पर मैं उसको खाना नहीं दे रही, तो क्या होगा। मेरे पास एक कुत्ता है, उसको 15 दिन से भूख लग रही है पर उसको कुछ भी नहीं दे रही, तो क्या होगा, मर जाएगा, 15 दिन नहीं मर जाएगा, बीमार हो जाएगा, वीक हो जाएगा, है ना। उसके बाद मैं उसको एक महीने तक खाना नहीं दे रही, अब क्या होगा, आईएमसी के प्रोडक्ट खाएगा तो थोड़ा सा और जी सकता है। अब एक महीने से वो कुछ भी नहीं खा रहा, मैं उसको कुछ भी नहीं दे रही, तो क्या होगा, मर जाएगा। अब मान लीजिए वो मर गया, उसकी बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है, अब क्या होगा, सड़ जाएगा। सड़ने के बाद उसकी बॉडी में क्या लगेंगे, फंगस, बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े लगेंगे ना, ये सब। फिर इसके बाद क्या होगा, बदबू फैलाएगा और आसपास की सराउंडिंग्स को गंदा करेगा, इन्फेक्टेड करेगा, ये सब। यही होता है, यही प्रोसेस होता है कि नहीं होता है। सेम वे आपकी स्किन भी काम करती है, जब आप इसको खाना नहीं देते हो, जब इसका प्रॉपरली टेक केयर नहीं करते हो, तो ये भी जो है मर जाती है, मरने के बाद इस पे फंगस लगना स्टार्ट हो जाती है, और फंगस जैसे ही लगते हैं वो आसपास के वातावरण को गंदा करने लगता है, इन्फेक्टेड करने लगता है। देखिए छोटा सा रिंगवर्म होता है, उसको हम उजाते हैं तो बड़ा होने लगता है, बस वो आपके सराउंडिंग्स को बर्बाद करने लगता है, ये होता है प्रोसेस। इसलिए हमको बॉडी के पार्ट के साथ साथ अपनी स्किन का भी टेक केयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी स्किन जब सुरक्षित होगी तभी आपके अंदर के पार्ट्स भी जो है वो सुरक्षित होंगे, ठीक है। अब रही बात इनकी, एक्ने और पिंपल जो है वो एक ही टर्म है, पिंपल को ही साइंटिफिकली हम बोलते हैं एक्ने, ठीक है, पिंपल का साइंटिफिक वर्ड है एक्ने। पिंपल क्यों होता है, पिंपल हमारे आपको होता है ना, फेस में जो मुहासे हो जाते हैं, थोड़े कुछ हो जाते हैं, ये सब लोग होते हैं ना, सोए सर जगह सर जगह, अच्छा बोलो, सो गए थे, वाह वेरी नाइस। हमारे फेस में जो थोड़ी फिची होते हैं उसको हम बोलते हैं पिंपल, मुहासे क्यों होते हैं, ये हमारी जो स्किन होती है, हमारी स्किन ऐसी होती है या ऐसी होती है, कैसी होती है हमारी स्किन, नीचे वाला तो जरा दिख रहा है, शायद यही होगा लॉजिक है ना, मुझे दस फीट चाहिए, बताइए आप लोग मुझे, हमारी स्किन ऐसी होती है या ऐसी होती है, आपको बताएंगे तभी मैं बताऊंगी, ये वाला कुछ डिफरेंट दिख रहा है, पक्का यही होगा लॉजिक, ये सब लो है ना, ये हो सकता है क्या कि ये है, नीचे वाला है। ये होते हैं हमारे पोर, जो हमारे बॉडी में बहुत सारे होते हैं, मेन फंक्शन यही करती है, कैसे करती है, जब हमारे स्किन में आउटर में जब गंदगी आके बैठ जाती है तो वो कुछ गंदगी जो है आपके पोर के अंदर भी चले जाती है, और हम जब फेस वॉश लेते हैं और ऐसा रगड़ते हैं, ऐसे धोते हैं, पानी डालते हैं और खत्म, हमारा चेहरा हो गया साफ, ऐसे ही होता है ना, और कोई कोई तो साबुन यूज करते हैं एकदम मरते दम तक वाला साबुन, है ना, कहते हैं मैडम कहते हैं ऐसा, मैडम बढ़िया मजे ले रही है, बस है ना, क्या होता है
आउटर का भी स्किन आपका क्लीन होता है और ये अंदर का क्लीन जो अंदर का जो बैक्टीरिया है ये प्रॉपरली क्लीन नहीं होता है क्योंकि वो भी जो प्रोसेस होता है वो हमारा गलत होता है। उसके कारण ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये बैक्टीरिया जो है ये एक्टिव हो जाते हैं और जो भी हम प्रोटीन वगैरह न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं वो उसको अंदर से बराबर होते रहते हैं 2% तक का, तो उसके कारण ये एक्टिव हो जाता है और ये अपने लेग्स बनाना स्टार्ट कर देता है, ये भी अपना नेटवर्किंग स्टार्ट कर देता है और जब इसकी नेटवर्किंग स्टार्ट होती है तो ये आ जाता है आपके स्किन के ऊपर, आपके स्किन के ऊपर ऊपर जाता है और बैक्टीरिया है तो अच्छा तो होगा ही, निविलन ही होगा, है ना, बैक्टीरिया है तो अच्छा तो होगा निविलन ही होगा। ये होते हैं विलन, ये होते हैं बहुत बेशरम और एग्रेसिव। हम इसको मारते हैं एक तो ये हमको रिटर्न में देते हैं दो, गांधी बात में बिल्कुल नहीं सकते हम, जैसे ही इनको टच करते हैं तो ये और ज्यादा उभर जाते हैं क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव होते हैं और ये बहुत ज्यादा हीट भी होते हैं। जैसे पिंपल होते हैं हम टच करते हैं ये बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए कभी भी आप लोगों को अगर पिंपल की शिकायत ना हो करके आपको ये कोर ये जो अंदर का गड्ढा है इसको भी प्रॉपरली क्लीन करना है, प्रॉपरली क्लीन करना है। प्रॉपरली क्लीन कैसे करना है मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन में बताऊंगा, नहीं तो फिर ये जो है उभरते ही रहेंगे, आप इनको छूते रहेंगे और ये बढ़ते ही रहेंगे और जब हम इनको टच करते हैं, जब हम इनको टच करते हैं तो ये जो है ये बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं इनको टच करना, ये बहुत एग्रेसिव होते हैं और जैसे मैंने बताया ये बहुत डीट होते हैं, डीट होते हैं जब ये जाते हैं, जाने के बाद ये छोड़ देते हैं आपका ये ब्लैक पैचेस, ब्लैक पैचेस। देखा पिंपल होता है तो पिंपल जब जाता है तो काला काला दाग बन जाता है, ये सब बनता है ना, उसी को हम बोलते हैं ब्लैक पैचेस। क्यों होता है? क्योंकि हम उसको टच करते हैं बार 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 टच करते हैं, हमारा आप ऑटोमेटिक जाता ही है पिंपल जाता ही है, तो जब वो बैक्टीरिया जाते हैं तो वो कुछ इंप्रेशन छोड़ने चले जाते हैं, कुछ दाग धब्बा छोड़ने चले जाते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्लैक पैचेस। उसमें हम लगाते हैं क्या, एलोवेरा जेल विद क्लोरोक्विन, ठीक लगाते हैं ना, कॉमन प्रोडक्ट सबको पता है। तो इस तरह से एकदम एक्ने और पिंपल का टेक केयर करना बहुत जरूरी है, पोर्स को भी जो है प्रॉपरली क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि ब्लैक पैचेस भी ना हो। उसके बाद आता है हमारा रिंकल्स, चूड़ियां क्यों होती है, चूड़ियां होती है हमको उम्र के कारण, उम्र के कारण, उम्र के साथ साथ हमारी स्किन जो है लटकना स्टार्ट कर देती है। लेडीज लोग तो जनरली रिंकल्स यहाँ पे आता है और लड़के लोग को यहाँ पे आता है, आता है ना, यह लाइन बनी होती है जिसका हम बोलते हैं फाइन लाइन्स, वो लड़कों का चूड़ियां होता है, होता है ना, काफी सारे लड़कों का होगा देखना यहाँ लाइन बना होगा, ये तरीका होता है, इसके कारण आता है आपका चूड़ियां। और एक तरीका होता है जैसे आपकी स्किन उम्र के साथ साथ वीक पड़ जाती है, क्यों वीक पड़ जाती है, जब हम 30 साल के होते हैं, जब हम 30 साल के होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक तो चावल खाएंगे, चार रोटी खाएंगे, कटोरी भर के दाल पिएंगे और इतनी सारी सब्जी खाएंगे, ऐसे ही होता है ना, ये सब ऐसे ही होता है। और जैसे जैसे हमारी उम्र होने लगती है तो हम कोई डाइट को कम कर देते हैं, थोड़ा चावल हो जाता है, आधी कटोरी की दाल हो जाती है, थोड़ी सब्जी होती है, दो रोटी हो जाती है, ऐसा होता है ना, ये सब ये ठीक होता है। इसके कारण क्या होता है, जब आप उस एज में रहते हो जब प्रॉपरली डाइट खाते हो तो आपको प्रॉपरली पोषण मिलता है, प्रॉपरली न्यूट्रिशन प्रोटीन वगैरह मिलता है। जब हमारी एज हो जाती है हमारी डाइट ऑटोमेटिक कम हो जाती है जिसके कारण आपको प्रॉपरली न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिलता है, जिसके कारण आप लोग लेते हो IMC के प्रोडक्ट जिसमें आप लोगों को मिलता है न्यूट्रिशन प्रोटीन और एक्स्ट्रा मिला। उसी तरह आपकी स्किन भी जो है सेम काम करती है, आप इसको दाल चावल सब्जी रोटी नहीं दे सकते, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लगा सकते हैं दाल चावल सब्जी रोटी लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं लगा सकते, इसको भी फूड का नीड है और